एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। तो एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर धमाका होने से सनसनी फैल गई है। अब्दुल कलाम रोड पर कार में धमाका हुआ है, आपको ये जानकारी दे दें। धमाके के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्या वजह रही इस धमाके के पीछे? देखिए प्राची, अगर बात करें तो आज 29 जनवरी है और राजपथ पर बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा है। विजय चौक पर जहां पे तमाम सारे भारत के बड़े मेहमान मौजूद हैं, वहीं विजय चौक के नजदीक ही अब्दुल कलाम रोड पर इसराइल दूतावास के एकदम नजदीक ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अभी ब्लास्ट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जो दिल्ली पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वहां पर अभी छानबीन कर रही है कि आखिर किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। अभी जो प्राथमिक जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि IED ब्लास्ट था, यानी कि IED था इसमें, लेकिन अब कितने इंटेंसिटी का था, लो इंटेंसिटी थी या हाई इंटेंसिटी थी, अभी इसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन ब्लास्ट की वजह से वहां आसपास मौजूद जितनी भी गाड़ियां थी उनके गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं, गाड़ियों के कांच टूट गए हैं, तो नुकसान ज्यादा हुआ है गाड़ियों में। हालांकि अभी तक जान की जो नुकसान है उसकी कोई जानकारी नहीं आई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पर मौजूद है और वो छानबीन कर रही है। बिल्कुल अविनाश, देखिए अब्दुल कलाम रोड पर यह धमाका हुआ है, आप जरा ये जानकारी दीजिए कि ये कितनी बड़ी लापरवाही देखी जाए, क्योंकि एक तरफ जहां बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही है और उसी वक्त दिल्ली में राजधानी में इस तरीके का धमाका होना चूक है बहुत बड़ी। देखिए अगर बात करें तो सुरक्षा में वाकई में बहुत बड़ी चूक है। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है और खुफिया एजेंसी लगातार अलर्ट दे रही है कि दिल्ली में लगातार चाहे वो खालिस्तानी आतंकी हो या पाकिस्तान मूवमेंट के जो आतंकी हैं वो लगातार सक्रिय हैं और दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, और ऐसे में आज बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम विजय चौक पर चल रहा है जो की काफी महत्वपूर्ण है। और वहीं की अगर बात करें, ज्यादा दूर नहीं, विजय चौक से अगर बात करें तो महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर APJ अब्दुल कलाम रोड है और वहां पे इस तरीके की घटना हो जाना, वो भी लुटियन दिल्ली के अंदर। लुटियन दिल्ली अति सुरक्षित मानी जाती है, सारे VIP ही रहते हैं, चाहे सारे विदेशी इन्वेस्टर की बात करें, चाहे सारे नेताओं की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, सभी इस एरिया में रहते हैं, और इस एरिया में इस तरीके की घटना हो जाना वाकई में सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ ही दूरी पर विजय चौक है और वहां पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही है, ऐसे में वाकई में बहुत बड़ी चूक है। अविनाश, ये जो पूरी रोड है यहाँ पर सुरक्षा बल हमेशा तैनात रहते हैं, हाई सिक्योरिटी जोन है, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाना, धमाका हो जाना, और जैसा बता रहे हैं कि IED ब्लास्ट ये है। जी बिल्कुल, बात अगर बात करें तो मौके पर अभी दिल्ली पुलिस मौजूद है और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो जांच कर रही है किस तरीके से ये जो ब्लास्ट हुआ है वो हुआ है और कैसे ये कार वहां तक आई जो वहां पे आके ब्लास्ट हो गई। इसका मकसद क्या था, क्या आगे विजय चौक की ओर जाना चाहती थी या फिर कुछ और था, क्योंकि किस तरीके से इसराइल एजेंसी पर भी हर वक्त खतरा रहता है और गाजा में जिस तरीके से उसकी कार्रवाई रहती है तो वहां पे भी लगातार हाई अलर्ट रहता है, तो इसराइल दूतावास के पास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, इसलिए वहां पे इस तरीके का ब्लास्ट होना वाकई में बड़ी जो है ये सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर है और सुरक्षा लगातार वहां पे मौजूद है और वो जांच कर रही है कि आखिर किस तरीके से ये कार रुकी है दिल्ली के अंदर इंटर की और इसका मकसद क्या था, कहां से ये कार आई थी, अभी तमाम सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, अगर अभी मौके की बात कर लें तो वहां पर अभी क्या हो रहा है, किस तरीके से पूरे मामले की जांच की जा रही है और कितनी गाड़ियां हैं जो इस धमाके की चपेट में आई है? अविनाश, देखिए अगर बात करें तो अभी 5 से 10 गाड़ियों की जानकारी निकल कर आ रही है जिनके शीशे वगैरह टूट गए हैं इस धमाके की चपेट में आने से। इसके अलावा जो आसपास के घर थे वहां पर भी शीशों में कुछ जो क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके साथ साथ अगर बात करें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वहां पर पहुंच गई है, बम स्क्वाड टीम पहुंच गई है और लगातार जो इलाके को उसकी सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, कंबिंग किया जा रहा है और ये जो वाहन ब्लास्ट हुआ है इसके बारे में जानकारी जुटाई। क्या कॉल थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है वहां पहुंची। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई नुकसान का हमें नहीं पता, शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, हमने नंबर ले रखे। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? कहाँ पे होने की कॉल दे रखा है? हमने गाड़ियाँ नहीं देखी थी, हमने जो पहुँचे हम पहुँचे जब तक इन्होंने कवर कर लिया था। अच्छा, इंजर्ड कोई नहीं हुआ। कितने बजे की ये कॉल सर? कितने बजे की कॉल थी आप थोड़ा बता दें एक बार वापस से, क्या आप लोगों को पता चला? हमें 6:45 की जी क्या पता चला आपको? बम ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, तो वहाँ गाड़ी इंजर्ड हुआ है? इनको बोलने दो, मैं भी तो पूछूंगा ना यार, बात कर रहा है तू। बताइए, हम जो है वहाँ से चले यहाँ पहुँचे हैं, उत्तराखंड पुलिस से आए यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचे तो इस टाइम जो सारा एरिया कवर कर रखा था, आगे जाने से मना कर दिया, गाड़ी खड़ी है, हम तैनात खड़े हैं, अगर कोई बात होती है तो उसके लिए। कॉल क्या आई थी? कॉल ये आई थी कि बम ब्लास्ट हुआ है
जनाब आपको वहाँ पर कुछ मिला क्या स्पॉट पर? आपको स्पॉट पे हम गए, हमने नहीं, हमारे साथ दमकल विभाग के अधिकारी हैं, हम देखिए किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही है और देश के तमाम जो मुख्य लोग हैं वो विजय पथ पर मौजूद हैं, ऐसे में कुछ ही दूरी पर ये धमाका हो जाता है, इतना बड़ा धमाका हो जाता है, ये चूक है, ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि एक तरफ जहां पूरे देश में किसान आंदोलन की आग भड़की हुई है, 26 जनवरी के दिन दिल्ली में क्या हुआ ये हम सबने देखा, लगातार खुफिया एजेंसी अलर्ट कर रही हैं, उसके बावजूद एक ऐसे एरिया में जो कि हाई सिक्योरिटी एरिया है वहां पर एक गाड़ी में धमाका हो जाता है जिसकी चपेट में कई सारी गाड़ियां भी आ जाती हैं, 3 गाड़ियों के शीशे टूटने की खबर मिल रही है। सवाल यह है कि आखिर यह जो गाड़ी है जिसमें आईईडी था, क्योंकि शुरुआती जांच में जो पता चल रहा है, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आईईडी ब्लास्ट हुआ है उस गाड़ी में, अब सवाल यह है कि यह गाड़ी आखिर लुटियन जोन में कैसे घुस गई, कहां पर चूक हुई है और ये लापरवाही आखिरकार कैसे हो गई। सवाल यह भी है कि क्या इसी जगह के लिए गाड़ी प्लांट की गई थी या फिर इसे आगे भी जाना था। फिलहाल दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम मौके पर मौजूद है और तमाम पहलुओं की जांच कर रही है, ये अब पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये जो गाड़ी है ये कहां से आई है। देखिए दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, वो जगह जहां पर धमाका हुआ है, जहां पर आप हलचल भी देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस मौजूद है, मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है, अगली तस्वीर में आप ये देख सकते हैं और अब जांच की जा रही है। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अविनाश, अभी हम सुन रहे थे पुलिस वाले को जिसका ये कहना था कि धमाका हुआ ये जानकारी 6:45 के करीब मिली, हालांकि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, अभी क्या डेवलपमेंट मौके पर? ठीक है, अगर बात करें तो मौके पर दमकल विभाग मौजूद है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के तमाम अधिकारी मौजूद है और बम स्क्वाड मौजूद है, पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है और पूरे लुटियन दिल्ली में एक बार फिर से हाई अलर्ट कर दिया गया, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और फिलहाल ये जानकारी ली जा रही है कि क्या कोई और संदिग्ध गाड़ी तो लुटियन दिल्ली के अंदर नहीं प्रवेश की है और लुटियन दिल्ली के अंदर तो नहीं घूम रही है, क्योंकि जिस तरीके से विजय चौक पर आज मीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम हो रहा है और वहीं पर अगर बात करें तो वहीं के नजदीक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर इसराइल दूतावास के नजदीक इस तरीके का ब्लास्ट वाकई में सुरक्षा में बड़ी चूक है और वो भी तब जब लगातार तमाम सारी खुफिया एजेंसी अलर्ट कर रही कि पाकिस्तान की मंशा है भारत के अंदर अराजकता फैलाने की, खालिस्तान की मंशा है भारत के अंदर अराजकता फैलाने की और इसके बावजूद इस तरीके की चूक कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों के और कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं। और ये जो ब्लास्ट हुआ है, हालांकि इसमें कोई आदमी के अभी तक मरने की सूचना नहीं है, लेकिन तमाम आसपास के जो गाड़ियां खड़ी थी, तमाम आसपास के जो घर थे वहां पे शीशों में जरूर जो है वहां पे टूटे हैं और शीशे टूटने के साथ साथ अगर बात करें तो लोगों के अंदर दहशत भी वहां पे बड़ी है, क्योंकि इस तरीके से वीआईपी एरिया है और इसराइल दूतावास हमेशा अलर्ट पे रहता है, वहां पे हमेशा दिल्ली पुलिस की भारी जो है तैनाती रहती है, क्योंकि इसराइल में जिस तरीके से गतिविधियां रहती है और इसराइल के जिस तरीके से तमाम उसके पड़ोसियों देश से संबंध है, इसलिए इसराइल दूतावास पे हमेशा सिक्योरिटी अलर्ट रहता है और वहां पर इस तरीके घटना हो जाना वाकई में बड़ी बात है। ये न सिर्फ भारत के लिए बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के लिए कहीं ना कहीं छवि को साथ में कहीं ना कहीं धूमिल करता है, क्योंकि इसराइल दूतावास के नजदीक इस तरह की घटना होना दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में और इसके अलावा जो तमाम तरह खुफिया अलर्ट मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं चूक है। और सबसे बड़ी चूक तो इस बात को माना जाएगा कि आज मीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा है, तमाम तरह विशिष्ट अतिथि खुले आसमान के नीचे गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी विजय चौक के नजदीक एपीजे अब्दुल कलाम रोड में इस तरीके की घटना हो जाती है, ये वाकई में सुरक्षा में भारी चूक है।